मेजी के बेस्ट फ्रेंड्स उसके खिलौने हैं और आज मेजी बहुत अच्छे से रही, इसलिए उसकी मॉम उसे टैबलेट देगी। बाय बाय इमेजिनेशन, वर्चुअल रियलिटी में आपका स्वागत है। मेजी बड़ी हो गई है, खिलौने बच्चों के लिए होते हैं। खिलौने किसको चाहिए? बार्बी और केन को ये उम्मीद नहीं थी। अब वो अकेले हैं, उन्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। डॉल्स अपना नया घर देख रहे हैं। ये थोड़ा छोटा है लेकिन उस टॉयलेट से तो बढ़िया ही है जहाँ मेजी ने उन्हें फेंक दिया था। हमें साफ करना होगा, खुद से शुरू करते हैं। बार्बी को ग्लिटर और केन बहुत पसंद है। केन अपनी वाइफ के लिए बेड बनाएगा। ये पैलेट्स असल में पुरानी लेगोस हैं। बार्बी वो नहीं उठा पा रही लेकिन केन उसकी खुशी खुशी मदद करेगा। कितना अच्छा पार्टनर है। ये रहे मैट्रेसेस, जंप करें। अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ओप्स, केन बहुत तेज उछला। बस खुद को सन से जला मत लेना, मेरा मतलब है लैंप से। मेजी ने बार्बी को बेड बनाना सिखाया है, इसके लिए शुक्रिया। केन का बहुत हो गया। हे, इन कपड़ों में नहीं। स्वीट ड्रीम्स हनी, केन को अपनी कार चाहिए लेकिन मेजी का क्या? डॉल्स अभी भी चाहती है कि वो उनके साथ खेले। जो मेजी ने बार्बी के लिए ड्रेस बनाई थी, बार्बी वो ढूंढ रही है। उसे ध्यान देना चाहिए, अगर उसने ऐसे अपना बॉयफ्रेंड गवा दिया तो वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। हे, केन असल में बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें बस थोड़े मेकअप की जरूरत है। केन बहुत नर्वस है। बार्बी के पास ड्रेसेस की कमी हो गई है लेकिन अब उसके पास अपने बेड के लिए कैनोपी है। बार्बी मेजी को मिस कर रही है, वो बहुत क्रिएटिव थी। अब बार्बी को अपनी हॉबीज के बारे में सोचना होगा। अगर प्लेन उसके बैकयार्ड में लैंड कर जाए और उसके लिविंग रूम में परेड हो, मेजी को फिर भी कुछ पता नहीं चलेगा। बार्बी को सिर्फ पिंक फैब्रिक का पीस चाहिए था। ये आसान है, मेजी मुश्किल लेवल पर है, तो इसलिए बार्बी आसान मोड पर है। अब बार्बी के पास आरामदायक पिलो है, केन को ये पसंद आएगा। अब सारे कपड़े कैनोपी का हिस्सा है। फैशन के बारे में बात करना बहुत मजेदार है। बार्बी को भी बात करने के लिए कोई चाहिए, वो किसके साथ बात करेगी? वाओ, ये कमाल है। ये सुंदर लग रहा है लेकिन इस पर कुछ रख सके उसके लिए ये बहुत फ्लैट है। अच्छी बात है केन यहाँ है, उसने अपने नए दोस्तों के लिए शेल्फ बनाया, वो परफेक्ट है। अब डॉल्स गिरकर टूटेंगी नहीं। मेजी की मॉम मीटिंग के लिए तैयार हो रही है और उनको एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। बार्बी इस मौके का फायदा उठा के मिरर चोरी कर लेती है। अब वो अपना मेकअप कैसे करेंगी, बार्बी को कोई परवाह नहीं। आखिरकार अब उसके पास अपना खुद का मिरर है लेकिन उसे उसको सजाना होगा। इसे सुंदर बनाने के लिए पिंक बना देते हैं। उसी समय मेजी अपनी मॉम का मेकअप करने में उनकी मदद करती है। वो बहुत सुंदर लग रही है। मीटिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। बार्बी ने अपने डांस क्लासेस के लिए खुद आउटफिट बनाई और केन के पास उसे सरप्राइज देने के लिए क्यूट टेबल है। बार्बी बहुत खुश है, टेबल बहुत प्यारा है। ओप्स, डांस थोड़ा ज्यादा ही हो गया। टेबल को बार्बी का टूटू इतना पसंद आया कि उसने वो अपने पास रख लिया। हे, ये बढ़िया लग रहा है, रख लो। मेजी बार्बी के साथ घंटों टी पार्टी करते बिता देती थी, अब बार्बी वही अपने डॉल के साथ कर रही है। केन को थोड़ी चाय चाहिए लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। वो कहाँ बैठे? ट्रैश कैन पर? क्यों नहीं, बस थोड़ा ध्यान दे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ओह, केन परेशानी में है, यहाँ तक कि डॉल्स भी हंस रही है। हे, ये उस पर अच्छा लग रहा है। बार्बी के पास एक बहुत कमाल का आइडिया है, ये अच्छी चेयर में बदल सकता है। ठीक है, अब केन इस पर बैठकर चाय पी सकता है। किसी को भी गर्म बेड से निकलना और ठंडे फ्लोर पर पैर रखना पसंद नहीं। क्या तुम्हारा वापस बेड पर जाने का दिल नहीं करेगा? हमें एक रग की जरूरत है। केन के पास प्लान है,
मेजी के पास कूल सॉफ्ट ड्रग है। डॉल को परवाह नहीं अगर मेजी उन्हें देख भी ले। इस टैबलेट ने उनसे उनके दोस्त को छीन लिया है। वो अपनी जीती जागती डॉल्स को भी नहीं देख पा रही, लेकिन वो रग के ऊपर बैठी हुई है। केन को उसे उठाना होगा। ओह नहीं, टैबलेट बार्बी के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहता है। वीडियो गेम्स को हल्के में मत लो। आखिरकार मेजी सो गई। उसको बेड पर सुलाना होगा। उसने अपने डॉल्स को छोड़ दिया, लेकिन वो उससे अभी भी प्यार करती है। वो रख लेंगे। अब बार्बी के पैर गर्म रहेंगे। यही मायने रखता है। ये डॉल्स कैटलॉग बार्बी को पागल कर रहा है। उसको ये शैंडलियर किसी भी हालत में चाहिए। ये अब केन पर है कि वो इसे कैसे लेकर आता है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया है। उम्मीद है कि मेजी के पेरेंट्स उसे देख ना ले। वो आ गए। केन के लिए छिपना मुश्किल है। उसकी हॉटनेस दूर से दिख जाती है। उनकी मीटिंग अच्छी हुई और वो शानदार डिनर के लिए तैयार हो रही है। केन ऐसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन मॉम काम में इतना बिजी होती है कि उनके पास सांस लेने का भी समय नहीं होता, तो वो ध्यान कैसे देगी। वो अच्छा लग रहा है। वो बार्बी के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज लेकर आया। क्या वो अब तक का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है और सबसे अच्छा चोर भी। बार्बी बहुत खुश है। अब उसके पास वो शैंडलियर है जो उसको चाहिए था, लेकिन उसको लाइट बल्ब भी चाहिए। कोई बार्बी से कैटलॉग ले लो। ये बार्बी को कुछ ना कुछ लेने के लिए मजबूर कर रहा है, और जो जो उसे चाहिए वो सब कुछ वो नहीं ले सकती। लेकिन वो मेजी के मॉम के कपड़ों से अपने कपड़े अपडेट कर सकती है। तो मैं सच में लगा कि उनका मिसिंग ड्रेस पर ध्यान नहीं जाएगा। बेहतर होगा बार्बी छिप जाए। अब मॉम अपनी आउटफिट्स निकाल रही है और बार्बी किसी तरह से खुद को छिपाए रखती है। वो ये सब अपने कमरे में लेकर जा रही है। उसको ये सब कपड़े क्यों चाहिए? यहाँ तक बार्बी के पास तो अलमारी भी नहीं है। ओह नहीं, अब उसे अलमारी भी चाहिए। केन के लिए एक और काम, ये पुराना डॉल बॉक्स काम आएगा। अब वो अपने सारे कपड़े उसमें रख सकती है और पूरा दिन उन्हें देख सकती है और उन्हें पहन सकती है और केन से पूछ सकती है कि उसे वो अच्छे लगे। केन को लगता है कि वो वैसे ही सुंदर है, फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहने। लेकिन फिर भी उसे अपना फेवरेट आउटफिट चुनना होगा। केन की मदद करो, अपने फेवरेट्स नीचे कमेंट में बताएं। बार्बी फिर से परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा वो अपनी ज्वेलरी कहाँ रखे। केन को मदद करनी पड़ेगी। ये उन सात ड्वार्फ्स और उनकी अजीब प्रिंसेस दोस्त के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पहले उसे शेल्फ बनाना होगा। कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। बाल बनाना मुश्किल है, खास करके तब जब आपका ड्रायर खराब हो जाए। ये खराब हो गया है, शायद उसे प्लग लगा कर देखना चाहिए और मैक्स पर मत सेट करना। ये तूफान सब बर्बाद कर देगा। नहीं, ग्लिटर नहीं। ओह हाँ, ग्लिटर ये बुरा नहीं है। और चीजें खराब हो उससे पहले इसे बंद कर दो। ये जादू है। केन लिविंग रूम से लैंप लेकर आया। बार्बी को अपने बॉयफ्रेंड को परेशान करना अच्छा लगता है और वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ये बहुत मजेदार है। उन्हें ऐसा किए हुए बहुत समय हो गया। मेजी इनसे परेशान हो जाती थी। बार्बी फिल्मफाइट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई। हे, लाइट पर मत मारो। और ये रहे नुकसान, हर जगह फेदर्स, लेकिन कम से कम वो किसी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। बार्बी को एक बढ़िया पिक्चर फ्रेम मिला, लेकिन उसके पास कोई पिक्चर नहीं है, तो वो एक बना सकती है। हे केन, उठो। बार्बी के पास एक अच्छा आइडिया है, चलो साथ में पिक्चर लेते हैं। जाहिर है वो मान गया। वो बस तैयार हो रहा है। वो बहुत समय ले रहा है। बार्बी से सब्र नहीं हो रहा। बार्बी अपने आइडिया पर पछता रही है। केन तैयार है, सेल्फी फेस बनाओ और हो गया। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बार्बी का बर्थडे है, लेकिन उसको याद नहीं कि वो कितने साल की है। केन केक के साथ आ गया, उसने आज बहुत मेहनत की। बार्बी बहुत खुश है। उप्स, केक किसने खाया? ओह, बार्बी के दोस्तों ने, यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा। ये बहुत बुरा है। केन को पता है उसे खुश कैसे करना है। उसके पास गिफ्ट है। क्या? एक बटन जो वाईफाई को बंद कर देगा। वो मेजी को वापस अपने पास ला सकती है। उसने बटन दबा दिया। हे, ये क्या हो रहा है? इंटरनेट बंद हो गया, इसलिए मेजी बहुत उदास है। वो बहुत बोर हो रही है। शायद वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बार्बी और केन के साथ खेल ले। वो अपने घर में क्या कर रही है? फिर से पिलो फाइट। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मेजी को उनकी याद आ गई और वो फिर से उनके साथ खेल रही है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, लेकिन जब तक वाईफाई ठीक नहीं हो जाता।
निक मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ खुद को खुश रखने की सोचता है। पिंकी पर लग गई तो सूट जाएगा और पसंदीदा स्नीकर्स नहीं आ पाएंगे। तो बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा यहाँ है। कैरोलाइन ने कभी अपना मौका नहीं खोया। लगता है वो असली बार्बी रूम बनाने की सोच रही है। निक खुद को पिलो से घेर लेता है और गेम में हारता रहता है। बकवास किस्मत, गेम कंट्रोलर की चार्जिंग खत्म हो गई। कुछ काम करने का समय आ गया है। गीक, इस गेम कंट्रोलर की कभी चार्जिंग खत्म नहीं होगी। ये यहाँ तक कि निक को जीतने के लिए एनर्जी बूस्ट भी दे सकता है। अब ये बनाने का समय है। सूश सूश, स्क्रू ड्राइवर बोलता है, इसे अभी बंद करो। कैरोलाइन बोलती है, मेरी गलती है। निक बोलता है, आइडिया के लिए शुक्रिया। कैरोलाइन की बॉडी को बस फेदर्स ही तो चाहिए थे। वो हो, कितना शानदार ड्रीम कैचर है। अब सारे नेबर्स अच्छी नींद सो गए और निक को फिर से नींद आ गई। कैरोलाइन का ड्रीम कैचर सही काम कर रहा है। जब हम सो रहे होते हैं तभी सबसे कमाल के आइडियाज आते हैं। यहाँ तक कि निक का सपना सच भी हो गया। माइनक्राफ्ट स्टिकर्स इस पिक्सल इनर वर्ल्ड को पूरा कर रहा है। अब ये सब फेंग शुई के मुताबिक है। कैरोलाइन के पास नया पिंक टेबल है, जाहिर है इसे सजाना होगा। कैरोलाइन उसके लिए कुछ एक्रिलिक पेंट, ब्रशेस और यूनिकॉर्न ब्लेसिंग इस्तेमाल करती है। निक अपनी बहन का एग्जाम्पल लेता है। उसके कमरे में भी टेबल है। एक बढ़िया वीडियो गेम स्क्रीन चुनना बहुत मुश्किल काम है। ये बेहतर है, लेकिन ये अभी भी इतना कूल नहीं है। बड़ी जीत के लिए बड़ी स्क्रीन। वूप्स, कैरोलाइन क्या तुम स्क्रीन के बारे में कुछ सोच सकती हो? ये निक के वीआर सेट करने का समय है। कैरोलाइन की डॉल्स निक को बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। चलो उन्हें शूटिंग करना सिखाते हैं। कैरोलाइन ने वादा किया था वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। वाटर शूटिंग का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे उसे अपने ऊपर ही क्यों ना लेना पड़े। कैरोलाइन ने अपने दोस्तों को बचा लिया। उन्हें उसे कमरे की प्यारी और सेफ जगह पर रखना होगा, जहाँ बस प्यार और शांति हो। चलो हार्ट शेप शेल्फ बनाते हैं। सारे पसंदीदा टॉयज रखें और कमरे के माहौल के मजे लें। कैरोलाइन को मैक्रोन्स बहुत पसंद है, लेकिन उसके पेट में इसके लिए जगह नहीं बची। हालांकि कमरे में एक और पिलो की जगह है। निक के पास आइडियाज और खाना खत्म हो गया। भूख उसके सर पर चढ़ जाती है। वो अपनी बहन का पिलो खाने लगता है। ओह, ये क्या है? तुम्हें कॉटन फिलिंग पसंद नहीं आई? ये अजीब है। निक के पास बहुत सारी पुरानी सीडीज है। ऐसा लग रहा है ये निक की नहीं है। जब कैरोलाइन कुछ नहीं कर रही थी तो निक अपनी बहन का कार्टून देखने का फैसला लेता है। एक असली फैन बहुत आसानी से बार्बी इंट्रो को पहचान सकता है। उसके लिए ये दिखावा करना कितना मुश्किल है कि उसको ये लड़कियों वाले कार्टून पसंद नहीं। खैर चलो भी देखो। गेम कंट्रोलर पर सोना थोड़ा हार्ड है, यहाँ तक कि उसके चीक को भी उसका पसंदीदा की कॉम्बो पता लग गया है। लेकिन अगर तुम मुलायम गेम कंट्रोलर पर सो तो कैसा रहेगा? कूल। शायद निक कम से कम सोते हुए ही जीत जाए। मेहनत से काम करो, मेहनत से खेलो। बार्बी के कमरे की सजावट पूरे जोरों शोरों से चल रही है। निक उसे देखता रहता है और फिर आखिरकार उसे एक आइडिया आता है। उसके पास स्टोर में इतने सारे लेगो पीसेस हैं, वो उन्हें इकट्ठा करके कुछ बना सकता है। और ये क्लॉक है, ये अच्छी है, लेकिन वो कभी टाइम पर नहीं होगा क्योंकि क्लॉक काम नहीं कर रही। निक जितना मर्जी खेल ले पर टाइम हमेशा उतने का उतना ही रहेगा। इतना टाइम भी जीतने के लिए काफी नहीं था और निक थक गया। सोने का समय हो गया है। ओह, हमारे गेमर के कमरे में उसका खुद का यूनिवर्स है। निक गेम खेलता खेलता अलमारी के पास आ जाता है। कैरोलाइन को हैंगर्स चाहिए लेकिन प्लांट नहीं। ब्रो ये तुम्हारे लिए। चलो भी फ्लोरा फैन, यहाँ से जाओ। ये पहली बार हुआ है जब कैरोलाइन को कपड़ों की नहीं हैंगर की जरूरत है। वो हो, ये बढ़िया है। हर एक पिन की अपनी जगह है और ये कैरोलाइन के बालों में नहीं है। निक इतना गेम में घुस गया कि उसने गलती से सीरियल की जगह लेगो पीसेस खा लिए। उसको प्लास्टिक से एलर्जी है और वैसे भी खिलौने खाना बहुत खतरनाक होता है। स्नैक जार को लेगो पीस की तरह पेंट करना अच्छा आइडिया लग रहा है।
लेकिन बहन को डराना अच्छा आइडिया नहीं है। कैरोलाइन को अपने कमरे में एक मिरर चाहिए ताकि वो अपनी खूबसूरती को पूरा दिन निहारती रहे। जैसे ही वो जाती है, मैक गड़बड़ करने के लिए आ जाता है। वही पुरानी स्टैश वाली चाल। अब कैरोलाइन बहुत हद तक अपने डैड की तरह लग रही है। जाहिर है उसे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके भाई को बहुत मजे आ रहे हैं। खैर खैर, मिरर की सजावट में ये आखिरी फरी टच है। ये बहुत अच्छा है, सच में निक, उसको पसंद आया। आलसी बड़े भाई ने बहुत सारी गंदी डिशेस का ढेर लगाया हुआ है। उसके पास वो सब साफ करने का समय नहीं है। इसका मतलब उसकी डिशेस चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर जब्त कर लेगी। कैरोलाइन किसी भी कप को इस्तेमाल कर सकती है। बड़े भाई को हेडफोन्स लगाकर लाउड म्यूजिक सुनना और कुछ ना करना बहुत पसंद है। इस बार म्यूजिक उसे ब्लैंकेट के पास ले आता है और निक को अचानक से एक आइडिया आता है। वो क्या कर रहा है? एक इमोजी रग, बुरा नहीं है। अब कम से कम कोई तो इसके जोक्स पर हंस रहा होगा। जो भी, रग ने हमारे गेमर को खुश कर दिया और कैरोलाइन को आखिरकार पता लग गया कि उसको ठंड क्यों लग रही है और उसके भाई को रग कहाँ से मिला। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें अपने पसंदीदा टॉय कौन सा है ये बताएं।